हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हमारे स्पिंडल ओवरलोड आ रहा है और हमारा स्पिंडल की बेयरिंग ख़राब हो गई है। ये देखिए, हमारा स्पिंडल बिल्कुल जाम हो गया है। आज हम इसको स्पिंडल को खोलेंगे और बेयरिंग चेंज करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम CNC का सॉफ्ट जॉक खोल रहे हैं। ये हमने लंकी की मदद से इसका सॉफ्ट जॉक खोल दिया है। उसके बाद चक को खोलेंगे। चक खोलने के बाद बेयरिंग खोलेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ये हम अभी चेक खोल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी चाहिए कि बैरिंग हमने कैसे चेंज किया, क्या क्या किया, तो उसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम स्टेप बाई स्टेप पूरी वीडियो बना के दिखाएँगे आप लोगों को। सबसे पहले हम चेक को रिमूव कर लेंगे, फिर उसके बाद चेक प्लेट जिस पे होल्ड हो रहे हैं इन सबको खोल लेंगे और उसके बाद हम बैरिंग खोलेंगे। ये देखिए, हमने चक को रिमूव कर दिया है और जो इसका बोल्ट है उसको भी हम अभी खोल के सबको रिमूव कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक एक करके हम यहाँ पे सारे पार्ट्स निकाल लेंगे। ये जो कवर्स हैं, लोकेटर हैं, सारे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारा स्पिंडल निकलेगा, उसके बाद बैरिंग चेंज होगी। ये देखिए, हम एक एक करके इसके कवर प्लेट के स्क्रू खोल कर इसके कवर प्लेट इसको निकाल रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सारे बोल्ट हम यहाँ पे खोल रहे हैं। चक साइड खोलने के बाद हम सर्वो मोटर साइड खोलेंगे और पहले बैक साइड का कवर निकालेंगे, उसके बाद हमारा स्पिंडल और स्पिंडल बैरिंग बाहर आएगी। एक एक करके हम सारे पार्ट्स खोल रहे हैं। ये देखिए, हम एक एक करके सारे पार्ट्स खोल रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें 2 दिन लगे हैं। जब तक हमारे सारे पार्ट्स ओपन नहीं होंगे तब तक हमारा बैरिंग बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए हमें सारे पार्ट्स ओपन करना पड़ेगा। ये हम इनकोडर साइड काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्लैंप डिक्लैंप का असेंबली को रिमूव करेंगे। ये हम यहाँ पे जो नट लगा है इसको रिमूव करके पूरा हटा देंगे इसे। उसके बाद सर्वो मोटर को लॉज करके सर्वो मोटर का बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए, हमने सारे बोल्ट खोल दिए हैं। खोलने के बाद इसको पूरा बाहर निकालेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टड लगे हुए हैं उनको भी वो कर देंगे और ये जो चक बोल्ट के जो स्क्रू लगा हुआ है जिससे हमारा चक लॉक नट टाइट हो जाता है, ये जो हमारा चक नट है, लॉक नट है, उसको हम पहले स्क्रू से फ्री करेंगे, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे। ये देखिए, हम इसको चक नट को निकाल रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब सबसे पहले हम सर्वो मोटर को जो बॉडी में बोल्ट लगे हुए हैं उसको हम लॉज कर देंगे। लॉज करने से हमारा बेल्ट फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद हम बेल्ट को सर्वो मोटर से जो स्पिंडल में अटैच होता है बेल्ट उसको हम रिमूव कर देंगे। लंकी की मदद से हम इसको लॉज कर रहे हैं। लॉज करने के बाद ये जो सामने का
एलन बोल्ट दिख रहा है उसको भी हमें लूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सर्वो मोटर ऊपर नहीं जाएगा जिससे बेल्ट हमारा लूज नहीं होगा। इसको हम पूरा लूज कर देंगे, अगर बेल्ट नॉर्मली निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको सर्वो मोटर को नीचे से प्रेस करके निकालना पड़ता है। ये देखिए हमें सारे जो सर्वो मोटर का बेल्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया है और इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। साथ साथ इनकोडर का बेल्ट भी हमने निकाल दिया है और ये हम फाइनली बैरिंग को जो स्पिंडल है उसको रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए हम स्पिंडल को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे बैरिंग लगी हुई है जो कि ख़राब हो चुकी है। देखिए कितना सारा डस्ट लग रहा है, इस पर जंग भी लग रहे हैं। हम इसे लकड़ी की मदद से इसको बाहर प्रेस करके निकाल रहे हैं। हैमर का यूज बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज डेंट आएगा, डेंट आने से रन आउट की बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए हम प्रॉपर लकड़ी का यूज कर रहे हैं, लकड़ी की मदद से हम इसको पूरा प्रेस कर करके बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए हमने इसको प्रॉपर बाहर निकाल दिया, ये हमारा बिल्कुल खाली हो गया। बैक साइड के जो बैरिंग लगे हैं उसको भी हम अभी लकड़ी की मदद से ही प्रेस करके बाहर निकाल लेंगे। ये जो कवर है इसमें भी दो बैरिंग लगी हुई है, इसकी बैरिंग की साइज़ है 70-16। यहाँ पे हमने दो टाइप की बैरिंग नंबर यूज किया है, एक 70-16 है और एक 70-18। ये देखिए इसको भी हम प्रॉपर निकाल रहे हैं, इसमें से दो बैरिंग निकलेगी जिसका नंबर 70-16 है। ये देखिए हम दूसरे साइड की बैरिंग को निकाल दिए हैं। आप सबसे पहले हम इसको प्रॉपर क्लीन कराएंगे और बैरिंग कवर खोल के बैरिंग को रिमूव करेंगे और ये पूरा जो भी पार्ट्स हैं उसको हम सारे को क्लीन कराएंगे। ये हमारा देखिए स्पिंडल है, इसको हम भी प्रॉपर क्लीन करा के सबसे पहले इसको बैरिंग रिमूव करेंगे, उसके बाद क्लीन कराएंगे। ये हम पर सबसे पहले बैरिंग बैक साइड के बैरिंग निकाल रहे हैं जिसका नंबर 70-16 है। यहाँ पर दो बैरिंग लगी हुई है, सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए हम इसको बैरिंग को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल हमारे 5 बैरिंग लगी थी, 2 बैरिंग बैक साइड, 3 बैरिंग फ्रंट में, जो कि 5 ख़राब हो चुकी थी। ख़राब होने से हमारे पार्ट में चैटरिंग आ रही थी, अगर चैटरिंग पार्ट में ओडी आईडी फेस सभी जगह आई तो वो स्पिंडल का बैरिंग का इशू रहता है। ये देखिए हमारी ये बैरिंग है कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल प्ले आ गया था इस बैरिंग में। अब हम स्पिंडल साइड को भी सबसे पहले लॉक नट जो लगा रहता है उसका स्क्रू लूज करेंगे, फिर उसके बाद बैरिंग को रिमूव करेंगे। यहाँ पे 3 बैरिंग लगी रहती है, तीनों बैरिंग को लगाने का एक तरीका रहता है जिसमें से बैरिंग में सिंबल दिए रहते हैं, एरो का निशान रहता है। सामने के 2 बैरिंग जो वी टाइप का रहता है उसमें फ्रंट में एक ही साइज़ के लगते हैं और जो लास्ट वाली तीसरी बैरिंग लगती है वो उसके अपोजिट लगती है। ये देखिए हम सिंबल भी दिखा रहे हैं, इसी तरह से हम जब असेंबल करेंगे तो उसको कंटिन्यू सिंबल को देख के ही असेंबल करेंगे। अब जो ये चक नट है उसको हम स्क्रू को लूज करके चक नट को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद हम बैरिंग को निकाल के पूरा प्रॉपर जो भी पार्ट्स हैं उनको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर से असेंबल करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे चक नट को रिमूव कर रहे हैं। चक नट रिमूव करने के बाद ही हमारी बैरिंग बाहर आएगी। ये हम कंटिन्यू चक नट को रिमूव करके बैरिंग को बाहर निकालेंगे, फिर प्रॉपर इसको क्लीन करके फिर से असेंबल करके दिखाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये देखिए हम सारे पार्ट्स को रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए हम बैरिंग निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे सारी बैरिंग निकाल लेंगे, उसके बाद पार्ट्स को प्रॉपर क्लीन करेंगे। ये देखिए हमारे डैमेज होने के कारण पूरे बैरिंग आराम से
निकल गई है। आप यहाँ पर बैरिंग को थोड़ा केयरफुली निकालें, अगर थ्रेड डैमेज हो गया तो हमें क्लैंप करने में दिक्कत होगी, जो चक नट है वो प्रॉपर टाइट नहीं होगा जिससे हमारा बैरिंग फ्री रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैरिंग निकालते समय सावधानी बरतें। ये हमारे पूरे पार्ट्स हैं जो हमने पूरे रिमूव कर दिया है स्पिंडल से, और इसको हम प्रॉपर अभी क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर से असेंबल करेंगे। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम पूरे बैरिंग की डिटेल और बैरिंग की साइज दिखाएंगे, जब तक हम इन पार्टों को साफ करा रहे हैं। जी देखिए, हमारे बैरिंग की साइज है जो हमने अभी 5 बैरिंग परचेज किया है, 70-16 और 70-18 करके नंबर है। इसमें 3 बैरिंग 70-18 है और 2 बैरिंग हमारी 70-16 है। जो 70-16 है वो बैक साइड सर्वो मोटर साइड लगते हैं, और जो 70-18 है वो चक साइड लगता है। ये हमारे बैरिंग की डिटेल है। ये बैरिंग के साथ हमने ग्रीस को भी परचेज किया है। आपके पास अगर ग्रीस अवेलेबल हो तो आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमने बैरिंग के साथ बैरिंग ग्रीस भी परचेज किया था। ये हमारी नई बैरिंग है जो कि हम इस स्पिंडल में भी लगाएंगे। सबसे पहले प्रॉपर बैरिंग को ग्रीसिंग कर लें। जो नई बैरिंग है उसको हम प्रॉपर ग्रीस करा रहे हैं। ये देखिए, हम अभी नई बैरिंग दिखा रहे हैं, इसको हम प्रॉपर अभी ग्रीस करेंगे। सभी को ग्रीसिंग करके साइड में रख लेंगे, उसके बाद एक 1x1 करके असेंबल करेंगे। ये देखिए, हम प्रॉपर इसे ग्रीस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो पार्ट्स हैं उनको हम क्लीन करा रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड में 2 बैरिंग लगती है 70-16। यहाँ पे बैरिंग में सिंबल लगे हुए थे हैं, जिसको एरिया को निशान, इसको एक बैरिंग को अंदर साइड करना है, दूसरी बैरिंग को बाहर साइड करना है। जो 2 बैरिंग है, एक साइड अंदर लगेगी, एक बाहर लगेगी। उसका जो सिंबल रहेगा, एक अंदर की तरफ रहेगा, एक बाहर की तरफ रहेगा। बैरिंग असेंबल करने के बाद हम इसके पार्ट्स को प्रॉपर फिट कर दिए हैं, और फिर इसके बाद स्पिंडल साइड के जो 3 बैरिंग है उसको हम अभी लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी पहली बैरिंग है, एक एक करके। ये देखिए, ये हमारा जो सिंबल है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा सिंबल है। कंटिन्यू सिंबल दिखा भी रहे हैं। सेम बैरिंग हमारे 2 एक ही साइड के सिंबल लगेंगे, और दूसरा जो है वो हमारा अपोजिट लगेगा। ये देखिए, हमारा 1x1 करके सिंबल भी क्लियर दिख रहा है। सेम आप भी ऐसे ही प्रॉपर 1x1 करके बैरिंग को सेट करें, अदरवाइज प्रॉपर रन आउट और चैटरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये देखिए, ये हमारी तीसरी बैरिंग है जो कि हमने उसको अपोजिट साइड में लगाया है। सारे तीनों बैरिंग को प्रॉपर लगा के चक नट को क्लैंप कर रहे हैं, उसके बाद चक नट को भी लॉक कर देंगे। प्रॉपर चक नट को टाइट कर दें, बिल्कुल भी लूज ना रखें। इसके बाद हम इसको प्रॉपर फिट करेंगे। यहाँ पे फिट करने में प्रॉपर क्लीनिंग का ज़रूर ध्यान दें। जो भी बैरिंग का सेक्शन है पूरा क्लीन होना चाहिए, और यहाँ पे हैमर का यूज बिल्कुल भी ना करें। लकड़ी की मदद से आराम से धीरे धीरे बैरिंग को प्रेस करके फिट करें। ये देखिए, हम प्रॉपर लकड़ी की मदद से प्रॉपर इसे धीरे धीरे करके फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद हम पूरा जो भी इसके कवर्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उसको हम फिर से असेंबल कर देंगे। ये देखिए, एक एक करके हम फिर से असेंबल कर रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
एक एक करके हम सारे पार्ट्स को असेंबल करके रन करके भी दिखाएंगे अभी। जैसे हमने एक एक पार्ट्स को रिमूव किया था उसी तरह से सीक्वेंस वाइज हम सारे पार्ट्स को फिट कर रहे हैं। वन बाय वन करके आप पार्ट्स को फिट करें, अदरवाइज अगर आप आगे पीछे पार्ट्स को फिट कर देंगे तो फिर से आपको डिसअसेंबल करके असेंबल करना पड़ेगा, इसलिए केयरफुली असेंबल करें, प्रॉपर इसको असेंबल करके प्रॉपर टाइट करें। ये देखिए एक एक करके हम इसको फिर से असेंबल कर रहे हैं, वन बाय वन असेंबल कर रहे हैं सारे पार्ट्स को, असेंबल करके हम रन करके भी दिखाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बैरिंग को लगाते समय बैरिंग के जो डायरेक्शन है उसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए वायरिंग के डायरेक्शन का दोनों जो पांच वायरिंग लगी हैं, तीन वायरिंग एक साइड और दो वायरिंग उसके बैक साइड लगी, उनके डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखें। अब इसका हम सर्वो मोटर का बेल्ट टाइट कर देंगे प्रॉपर, टाइट करने के बाद मशीन को रन करके भी दिखाएंगे। एक एक करके जैसे पार्ट हमने रिमूव किया था, डिक्लैम्प मतलब डिसअसेंबल किया था, सेम उसी तरह वन बाय वन करके हम इसके पार्ट को सारे पार्ट्सों को असेंबल कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैंने इसको तो ज़्यादा पार्ट्स को प्रॉपर वीडियो शूट नहीं किया है। ये पूरा काम करने में हमें डेढ़ दिन का समय लगा था। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए हम सारे पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं। वन बाई वन करके हम सारे पार्ट्स को असेंबल कर दिए हैं। अब इसको मशीन को ऑन करके इसका आरपीएम भी चेक करेंगे। आरपीएम हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 50 का डालेंगे, उसके बाद 100, उसके बाद 150 स्टेप आरपीएम हमें डालना है। आप इसको आधे घंटे इसको ड्राई रन पे चलने दें मशीन को, जिससे हमारा बैरिंग प्रॉपर सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको प्रोडक्शन पे लेंगे। ये हम 50 के आरपीएम पे दिखा रहे हैं, आप स्लो आरपीएम पे ही सेट करें सबसे पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके आरपीएम बढ़ाएं और प्रॉपर मशीन को रेडी करें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।